उत्तर प्रदेश के संभल में भारतीय किसान यूनियन ने थाने के अंदर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कोतवाल पर अभद्रता और फरियादियों की ना सुनने का आरोप लगाया। धरना के बाद थाने में ही पुलिस और भाकियों टिकट कार्यकर्ता आमने सामने डटे रहे। मामला घनारी थाना परिसर का है, जहां ट्रैक्टर और निजी वाहनों को थाने के अंदर खड़ा कर भाकियों टिकट कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। थाने में लाउड स्पीकरों से भाकियों नेता ने थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। थाने के अंदर किसानों के धरना प्रदर्शन से हालात तनावपूर्ण होने लगा। किसानों ने थाने के गेट पर भी वाहन खड़े कर रास्ता बंद कर दिया। बता दें कि धनारी कोतवाल विद्युत गोयल के खिलाफ भी 2-3 दिन पहले किसानों ने थाने में घेराव कर ऐलान किया था। बाद में सीओ और भाकियों कार्यकर्ता से बातचीत के बाद भाकियों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। ठीक उसी तरह से आपको करना काम होगा। ये किसान और ये भारतीय किसान संगठन ऐसे संगठनों से छाजी से बनकर के पुलिस प्रशासन हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आपको खुद स्वयं समझना चाहिए कि किसान के साथ बदतमीजी करना ये कानूनी अपराध नहीं है। कानून आपके हाथ में भी नहीं है। लेकिन हमें तुमसे सिर्फ इसी बात का है कि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो आम जनता का आप क्या करते होंगे? और आपने 2 महीने में लूट मचाई है वो हमें एक एक बात का पता है। और एक एक बात आपके अधिकारियों से हम कहेंगे, खुलकर कहेंगे, धमके और समुद्र स्थान कहेंगे। हमको पैसे सड़क छाप रही है यहाँ से नाम वीरेश यादव, युवा मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान टिकट। आज जो धरना दिया रहा है इंस्पेक्टर धनारी विद्युत गोयल की करतूतों पे दिया जा रहा है। हम कल 2-3 पदाधिकारी आए थे, एक धनारी के गरीब किसान का मामला चल रहा था। तीन दिन लगातार आते हुए हम लोगों को, लेकिन इन लोगों ने सुनी नहीं इंस्पेक्टर साहब ने, बल्कि धनारी थाने से महज 500 मीटर की दूरी का मामला है। जब ये 500 मीटर की दूरी का मामला नहीं सुन पा रहे, फिर आगे कैसे सुन पाएंगे? और फिर किसानों के साथ अभद्र भाषा का हमारे साथ जो पदाधिकारी पैसे को बड़ी तरह दी जा रही है, रात रात भर धरना चलते हैं, और अगर एक किसान डाल ले कोई भी तो उसको तुरंत किसानों की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी उनको लेकर आज हम बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, हम लोग रोडों पर भी जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान कराने के बाद ही।